पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं निशा चौहान भारतीय जनता पार्टी से मंडल मंत्री हूँ। कौन सी वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 4 पैपटपुरा लाकड़ी फाजलपुर। इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ जी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे खड़ी हुई हूँ। किन बिंदुओं को लेकर आए थे आप? देखिए, हमारे जो संज्ञान में पड़ा है वो ये है कि जो सीट है वो जनरल महिला सीट है, बट मेरे संज्ञान में ये आया है कि ये SC को टिकट हो रहा है, जो मतलब उन्होंने फैला रखी है, सब में अफवाह उड़ाई है कि मतलब मेरा ही टिकट क्लियर है। तो इसलिए हम मतलब जब हम उसमें जनरल में है तो सामान्य वर्ग को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 15-20 साल बाद इस बार सीट जनरल में आई है, तो जनरल वाले को ही मौका मिलना चाहिए। क्या मांग रहेगी आपकी और आगे क्या रणनीति है? मेरा मानना है, वैसे तो मैं महिला हूँ और महिला सीट है, बट मेरा मानना ये है जो भी सक्षम हो, जो भी यहाँ से सक्षम लग रहा है, आप उसका टिकट जनरल में फाइनल कर दीजिए। नरेश शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं और इस टाइम कहाँ खड़े हैं? हम वार्ड 4 पैपटपुरा लाकड़ी के रहने वाले हैं, सभी लोग इतने भी हैं, और हम यहाँ BJP कार्यालय पे जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं मिश्रा जी, उन सबसे मिलने के लिए आए हुए थे। क्या मामला है? मामला ये भाई साहब, हमें संज्ञान में आया जो पूर्व प्रत्याशी है, उसने मोहल्ले में पूरे फैला दिया कि साहब उसका टिकट फाइनल हो गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर SC वर्ग को सामान्य में टिकट दिया जाएगा तो सामान्य वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि पिछले 20 साल के बाद सीट आई है सामान्य में, और जो सामान्य वाले प्रत्याशी हैं या जो सामान्य वाली जनता है वो इतने टाइम से सपोर्ट करती आ रही है BJP को, उसके बाद अगर उसके किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा टिकट तो फिर कब लड़ेगा वो व्यक्ति? अभी तक किन किन लोगों से मिले? हम रितेश गुप्ता जी से आज सुबह मिले, जयपाल सिंह व्यस्त जी से सुबह आज मिल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर कार्यालय में कोई नहीं है, प्रयास कर रहे हैं कि बाकी लोगों से भी मिला जाएगा आज। क्या मांग रहेगी? अगर मांग हमारी रहेगी कि सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति का टिकट हो जाए। अगर नहीं सुना जाता है, नहीं सुना जाता है तो हम पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेंगे चुनाव। मेरा नाम सतीश चौहान है। मैं वार्ड 4 पैपटपुरा लाकड़ी का रहने वाला हूँ, और अभी हम लोग सभी कार्यालय पहुँचे हुए हैं, अपने BJP कार्यालय यहाँ आए हुए हैं, और सभी लोग हमारे ये साथ में आप देख रहे हैं, सभी समाज से लोग हैं हमारे, ऐसा नहीं है, ये सभी लोग समर्थक हैं, चाहे वो हमारे SC समाज के लोग हैं चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोगों के साथ हैं। आप देखेंगे यहाँ तो आप जनरल समाज के भी लोग हैं, SC समाज से भी हों, और हमारे मुस्लिम समाज से भी यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं। क्या हुआ है? हुआ ये है कि इस बार सामान्य सीट है, महिला सीट है, और सभी का ये मानना है कि इस बार किसी सामान्य के प्रत्याशी को ही इसका मौका मिलना चाहिए, और फिर से अभी संज्ञान में ये आ रहा है, सूचना या अफवाह है या सूचना जैसे भी फैली हुई है, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी पूर्व पार्षद हैं उनके पति ये अफवाह किए हुए हैं कि इस बार भी टिकट मेरा ही हो रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं विरोध पार्टी संगठन को देखना पड़े और उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। मांग यही है कि सामान्य में जो भी लोग सामान्य भी हैं और भी अदर जहां भी हमारे प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किए हुए हैं प्रत्याशी के लिए, उनमें से अगर है कोई सामान्य का कोई ऐसा व्यक्ति जो लगता है कि सक्षम है और क्षेत्र में सही काम कर सकता है, साफ सुथरी छवि है उसकी, तो उसको वो टिकट दिया जाए, ताकि सामान्य समाज के लोग भी अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं और अपने जो मन की उनकी इच्छाएं हैं वो अपनी पूरी करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।